अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर के हवाले से एक ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर ईद मनाई जा रही है, जबकि दूसरी तरफ कई बड़े ज़िलों में, कई बड़े डिवीज़न में ईद उल फितर को मनाने का ऐलान नहीं किया गया है। तो खैबर पख्तूनख्वा में दो तरह के लोग हैं। एक तरह वो सूबाई कमेटी जो मस्जिद कासिम अली ख़ान की प्राइवेट कमेटी है, मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब के ऐलान पर उन्होंने ईद उल फितर का ऐलान किया है और वो ईद उल फितर मना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के कसीर तादाद में जय्यद उलमाए किराम भी हैं, वो ईद उल फितर को मना नहीं रहे हैं। वो इंशाल्लाह उनकी ईद उल फितर कल यानी 3 मई बरोज़ मंगल को ईद उल फितर मनाई जा रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा में दो ईदें मनाई जा रही हैं। पहली भी इससे पहले शुमाली वज़ीरिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इससे पहले एक दिन पहले 1 मई को भी ईद मनाई गई। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में इस मरतबा 3 ईदें मनाई गई है, जो अच्छी बात नहीं है। मिन हैसुल कौम ये अच्छी बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई।